हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी जो एसएससी जेई की सीरीज़ है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं 2012 से लेकर 2019 में जितने भी एसएससी जेई में एमसीक्यू पूछे गए हैं सीमेंट को रिलेटेड, तो वो सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज उसका लास्ट पार्ट है, इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2018 और 2019 में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं सीमेंट को लेके। तो आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे प्रॉपर, उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हर एक एमसीक्यू की मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे हम पहली वाली वीडियोज़ में मैं आपको प्रोवाइड करता था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस तरीके से आ रहा है, और उसके रिलेटेड और भी अगर कोई एमसीक्यूज़ वगैरह बन सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उनके उनके रिलेटेड और भी एमसीक्यू बन सकते हैं। तो अगर कोई भी एमसीक्यू बनता है तो उसके रिलेटेड भी हम आपको अवेयर करेंगे कि कौन सा एमसीक्यू उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ऐसे तो 87 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कवर करे हुए हैं एसएससी जेई में उसकी मैंने प्रॉपर नंबरिंग करी हुई है, तो 87 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट। जो हमारा ओपीसी सीमेंट होता है, ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट होता है, उसमें परसेंटेज क्या रहती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, ठीक है। तो इसका कमेंट में आप मुझे आंसर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको, जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो थी आई थिंक उसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है ये सब। तो ऑप्शंस देखते हैं, 60 to 65% रहता है, 1 to 2% रहता है, 3.5 to 9% रहता है, या 17 to 25% रहता है। तो इसकी अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है इसका सेकंड करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग 1 to 2% रहता है। अगर बात करें प्रॉपर इसकी, तो ये सल्फर की परसेंटेज रहती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड रहता है, वो कितना रहता है, 1 to 3% रहता है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं माइनली जो सीमेंट के होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर डिस्कस करा था आपके साथ। तो अगर बात करूँ मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार, तो अगर लाइम की अगर बात करें तो लाइम कितना होता है, 62 to 65% में होता है, ठीक है, सीमेंट में। और सिल्का की बात करें, सिल्का जो होता है 17 to 25% रहता है, जिप्सम जो होता है 3 to 4% रहता है, एल्यूमिना जो होता है 3 to 8% रहता है, आयन ऑक्साइड की बात करें तो 3 to 4% रहता है, और मैगनीज जो होता है 1 to 3% रहता है, सल्फर भी 1 to 3% रहता है, और ये बाकी जो एल्कलाइज होती हैं वो 0.2 to 1% रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप इसका प्रॉपर यहाँ पे टेबल बना रखा है। तो आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि अगर इस बार सल्फर के बारे में पूछा गया था तो नेक्स्ट टाइम आपको आयन ऑक्साइड के बारे में, जिप्सम के बारे में, एल्कलाइज के बारे में, इनमें से किसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसके ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं तो एक, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, जैसे जी 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर ये सीमेंट में एक्सेस में है तो उसकी वजह से सीमेंट में कौन से इफेक्ट्स आएंगे, और अगर इनकी डेफिशिएंसीज है तो उसकी वजह से कौन से इफेक्ट्स आएंगे, इसको ऑलरेडी मैंने जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज थी उसमें थोड़े थोड़े कवर कर लिए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ कि कौन सी की डेफिशिय, अगर जैसे लाइम में लाइम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर लाइम एक्सेस में है तो सीमेंट में क्या होगा, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट्स वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर हम प्रॉपर एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, अगर आपको लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों को पता है कि इन सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से क्या होता है, तो फिर वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम फिर सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो मेरी आईडी है उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सपोज टू बी द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड इज वेल वर्न सीमेंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, जो नीचे दिए हुए सीमेंट है, फॉलोइंग सीमेंट्स हैं, ठीक है, ये है, इनमें से कौन सा ऐसा सीमेंट है जो वेल वर्न सीमेंट है, ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल वर्न सीमेंट है, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं सीमेंट्स कौन कौन से हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दे रखा है हमें, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दे रखा है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट दे रखा है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट दे रखा है, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो वेल वर्न सीमेंट कौन सा होता है जो प्रॉपर सीमेंटिंग प्रॉब्लम मटेरियल है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है ऑप्शन वन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये सपोज भी किया गया, ठीक है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है एंड इस वेल वेल वर्न होता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो अपनी पहली वीडियोस बनाई है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं तो उनको मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, फिर भी इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं एक दो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन इनिशियल स्टेजेस में, और ये कितना होता है, 45 to 85% बाई वेट इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी जो 7 to 8 मेजर प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या रहता है, तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस पहली वीडियोस बनाई थी मेरी, तो उनमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इनके बीच में से ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने प्रॉपर कवर करा हुआ है सीमेंट, 87 क्वेश्चन या 88 क्वेश्चन मैंने कवर करे हुए हैं। तो जब स्टार्टिंग में ट्राई कैल्शियम बॉक्स कंपाउंड में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आया, तो इनके ऊपर मैंने प्रॉपर
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं उनका एक एमसीक्यू बना के, इसकी 8 या 9 प्रॉपर्टीज रहती हैं तो उसका एक एमसीक्यू बना के आपको बताया हुआ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज है शायद सीमेंट की, उसमें बताया हुआ है। तो अभी प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोज अपलोडेड है, उसके लेग से मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो जी अभी मैंने बताया आपके जो मेजर हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आर जो स्ट्रेंथ रहता है हमारा इन इनिशियल स्टेजेस के लिए, और 45 to 85% बाई वेट इसको लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 1026/1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ऑफ ग्रेड सी, ठीक है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो ग्रेड सी है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू IS कोड, जो हमारा कौन सा IS कोड है 1026/1982। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 37.5 to 42.5 MPa रहेगी, या 47 to 47.5 to 52.5 MPa रहेगी, ठीक है, उसके बाद 32.5 to 37.5 MPa रहेगी, या 42.5 to 47.5 MPa रहेगी, ठीक है। मेगा पास्कल की बात करें तो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस के अगर अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 42.5 to 47.5 MPa इसकी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूँगा कि जो IS कोड है हमारा 1026/1982 उसके क्लॉज नंबर अगर आप जाओगे 3.1.2 पे उन्होंने दे रखा है कि जो 28 डेज की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 4031/1968 के मुताबिक क्या क्या स्ट्रेंथ निकल के आती हैं, तो वो मैं प्रॉपर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर बात करें ग्रेड AOPC की तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो कितनी आती है, 31.9 to 36.8 N/mm², ठीक है, ग्रेड ए के लिए। ग्रेड बी की बात करें तो 36.8 to 41.7 N/mm², ठीक है। ग्रेड सी की बात करें तो 41.7 to 46.6, ठीक है, N/mm². तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो रहा था, ठीक है। तो ग्रेड अगर डी की बात करें तो 46.6 to 51.5 N/mm² रहता है इसके लिए। अगर ग्रेड ई की बात करें तो 51.5 to 56.4 N/mm² रहता है। और अगर ग्रेड एफ़ की बात करें तो 56.4 to 61.3 N/mm² रहता है। तो ये जो सारे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ दे रखी है ये आपको IS कोड में प्रोवाइड कर रखी है, क्लॉज नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, तो आप IS कोड पे जाके भी देख सकते हो, सिंपली यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने IS कोड से कोई रिफर करके जो बनाया हुआ क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम से पूछा गया हो, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर हर एक ग्रेड की बता रखी है कौन सी स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि आपको अगर आपको ग्रेड सी की पूछ रखी है हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ग्रेड ई की पूछ ली जाए, ए की पूछ ली जाए, एफ की पूछ ली जाए, तो किसी के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर एक के लिए, आपको हर एक के लिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज, ठीक है, जो हमारी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रहती है, ठीक है, पानी के अंदर, तो उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ किया जाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ किया जाता है, पोर्टलैंड पोजुलना सीमेंट को यूज़ किया जाता है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी सीमेंट को यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो अगर बात करें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की तो इसमें कौन सी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ जो जल्दी चाहिए होती है तो क्विक सेटिंग सीमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें तो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ये कैसे मिलता है हमें, हम क्या करते हैं जो जिप्सम का कंटेंट होता है ना उसको क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, तो उससे क्या आती है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि जिप्सम क्या 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 करता है रिटार्ड करता है ना इनिशियल सेटिंग टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, तो अगर जिप्सम का कंटेंट हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे तो क्या होगा कि सीमेंट जो है जल्दी, क्योंकि उस सीमेंट की जो है ना इनिशियल सेटिंग टाइम है वो जल्दी आ जाएगा और उसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो भी जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। और इसका क्या किया जाता है, इसको ग्राउंड जो होता है मच फाइनर किया जाता है, ठीक है, इसके मतलब जो कर्न होते हैं बिल्कुल मच ग्राउंडर फाइनर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, ठीक है। और अगर इसकी बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम की तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका रहता है 5 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 30 मिनट्स। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैल्साइन प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, ठीक है, जो कैल्साइन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सीमेंट की प्रोडक्शन में उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शंस देखते हैं, ऐश बोलते हैं,
जिप्सम बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं या क्लिंकर बोलते हैं, ठीक है? तो अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। ऑप्शन फोर जो इसका प्रोडक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट होता है ठीक है, कैल्सिनेशन जब होता है ठीक है, कैल्सिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट क्लिंकर होता है। और सीमेंट की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बेरी इसमें क्या होता है, इंटेंस एनर्जी जो होती है प्रोसेस होता है ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि सीमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। जीजीबीसी वगैरह हो गया, हमारा फ्लाई ऐश वगैरह हो गया, तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, सीमेंट को रिप्लेस करते हैं ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम हो और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कम से कम खराब हो, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो कैल्सिनेशन प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लिंकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कंपाउंड्स इन ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ आर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बहुत बार ऑलरेडी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन से मेजर कंपाउंड्स होते हैं ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो देख लेते हैं, टेट्रा कैल्शियम लिम्यूनोफेराइट रहता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम लिम्यूनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट रहते हैं। तो इसमें कौन से रहते हैं, ट्राई कैल्शियम हमारे जो सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं, ये मेजर कंपाउंड्स होते हैं ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है? तो अगर बात करूं मैं इनको, मैंने ऑलरेडी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो यहां पे बताऊंगा, क्योंकि ये जितनी एक्सप्लेनेशन यहां पे इस क्वेश्चन के लिए नीड है इतनी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट की प्रॉपर्टीज़ जो है, क्योंकि 7 और 8 प्रॉपर्टीज़ जो प्रोसेस करते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोज़ एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोज़ जो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करे हुए हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज में क्वेश्चन मैंने डिस्कस करें सीमेंट को रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आप देख सकते हो 92 क्वेश्चंस तो सिर्फ मैंने वो डिस्कस करें आपके साथ जो एसएससी जेई में पूछे गए हैं, ठीक है? आई थिंक मोर देन 50-60 क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज का जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें भी मैंने कवर करे हुए हैं सीमेंट को लेके, तो उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि उसी में मैंने ये डिस्कस करा हुआ पूरा। तो अभी बात करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। अगर हमें क्या, अगर हमें अर्ली स्टेजेस में स्ट्रेंथ चाहिए होती है ठीक है, रिक्वायर्ड होती है, तो हमें क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को, ठीक है? अर्ली स्टेजेस में अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए लेटर स्टेजेस में, ठीक है, हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथ ही हमें रिक्वायर्ड हुई है लेटर स्टेजेस में चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज़ करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट को, ठीक है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बात करें तो आपने सुना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में आपको पता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को और डिक्रीज करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट को, ठीक है ना? इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो तभी तो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करता है वो, और डिक्रीज करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट, क्योंकि डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, लेटर स्टेजेस में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसका नाम जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और वो कहां पे यूज किया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैं आपको इसको एक बार नहीं 10-15 बार बता चुका हूँ इसके पहले की जो वीडियोस हैं कि कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन कौन से वर्क्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेड अप सीमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट बाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनमें से जो नीचे दिए गए हुए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट की क्लासिफिकेशन नहीं है, ग्रेड नहीं है, ठीक है? तो ग्रेड 33, ग्रेड 43 या ग्रेड 53 या ग्रेड 63, ठीक है? तो अगर इनकी बात करें तो जो ग्रेड 63 है, ठीक है, वो इंडियन ब्यूरो के द्वारा नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है? तो ग्रेड 33, 43 और 53 ये सीमेंट के लिए, तो ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं है, नॉट पूछा हुआ है हमें। तो ऑर्डनरी सीमेंट, ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट जो होता है, ठीक है, उसके 3 ग्रेड्स होते हैं, 53, 43 और 33, ठीक है? अगर बात करें हम लोग ये 33, 43 और 53 क्या है, तो ये क्रॉसपॉन्ड किसको करते हैं, जो हमारे 28 डे स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की उसको, ठीक है? और उस स्ट्रेंथ किस में होती है, मेगा पास्कल लिख सकते हो आप या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मैच द करेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ आगे टेस्ट के दे रखे हैं, तो इनको हमें मैच करना है, ठीक है? तो पहले बात करें तो विकेट ऑपरेटर्स टेस्ट है, उसके किसके साथ आएगा, ली चटली ऑपरेटर्स जो हमारा होता है वो किसके साथ आएगा, उसके बाद बैरिकेट जो हमारा टेस्ट मेथड होता है वो किसके साथ आएगा, उसके बाद बात करें तो एयर परमेबिलिटी मेथड जो है हमारा किसके साथ आएगा, ठीक है? तो लिस्ट टू में देखें, साउंडनेस टेस्ट आ गया, फाइननेस टेस्ट आ गया, सेटिंग टेस्ट आ गया और टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है? तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं,
फर्स्ट फोर्थ के साथ आएगा या BU1 के साथ आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा किसके साथ आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो AU हमारा बिकट ऑपरेटर्स टेस्ट होता है, ये किसके लिए किया जाता है, तो हमारे जो सेटिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम में बिकट ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो A किसके साथ आ जाएगा, थर्ड के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें बी की, बी कौन सा हमारा लीच एटली ऑपरेटर्स जो होता है, तो ये किसके साथ आएगा, लीच एटली ऑपरेटर्स जो होता है हमारा साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो बी फर्स्ट के साथ आ जाएगा। अगर सी की बात करें हम लोग, तो वेरिकेट ऑफ हमारा जो टेस्ट मेथड रहता है, तो ये किसके साथ आ जाएगा, हमारा जाए जाएगा फोर टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर चेक करना हो तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर बात करें एयर परमिबिलिटी मेथड की, तो एयर परमिबिलिटी मेथड किसके लिए होता है, फाइननेस के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सब देखते हैं। ए के साथ फोर, ठीक है, ये गलत हो गया, ए के साथ थर्ड था फर्स्ट में और ए के साथ थर्ड था, ठीक है। तो बी के साथ आ रहा था वन, तो बी के साथ सेकंड वाले में फोर है, इसका मतलब ऑप्शन फोर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द डैश इन पोलैंड सीमेंट, जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है उसको क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारा ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट होता है, एक्सपांशन करने के लिए यूज, फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन की करने के लिए, सल्फर कंटेंट को फाइंड करने के लिए, या कैल्शियम कंटेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको किया जाता है एक्सपांशन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले मैं बताऊँ कि ऑटोक्लेव जो ऑपरेटर्स होता है कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो साउंडनेस में यूज़ किया जाता है। अब साउंडनेस हम लोग क्यों करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है, क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट होता है ना, जब वो क्या होता है, सेटिंग होता है, ठीक है, आफ्टर सेटिंग क्या करता है वो, कोई यो ना उसमें शो ना करे, अप्रिशिएबल चेंजेस ना शो करे वॉल्यूम में, ठीक है, उससे क्या होता है कि सीरियसली इफेक्ट होती है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस यूज टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट किसकी वजह से होता है, लाइम की वजह से होता है, मैग्नीश हो गया, सल्फर की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट की, तो ऑटोक्लेव टेस्ट क्या कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एक मोल्ड लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं लीन जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है उसको डालते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं मोल्ड ऑफ लीन सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, लीन सीमेंट का, सॉरी कंक्रीट नहीं, तो उसमें क्या करते हैं उसके बाद इसको प्लेस कर देते हैं हम लोग ऑटोक्लेव में, ठीक है। ऑटोक्लेव में प्लेस करने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि स्ट्रीम प्रेशर जो है इंक्रीज करते हैं, कहाँ तक, अप टू 21 kg/m² तक उसको इंक्रीज करेंगे, और उसको फिर मेंटेन रखेंगे कितने 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 टाइम तक, नेक्स्ट 3 hours तक, 3 hours तक उसको मेंटेन रखेंगे। उसके बाद मोल्ड को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जो उसका परसेंटेज एक्सपांशन रहेगा, क्योंकि ये एक्सपांशन मेजर करता है, डिटरमाइन करता है ऑफ द मोल्ड, ठीक है, उसको नोटेड करेंगे ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और वो किससे कम होना चाहिए, 0.8% होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, ठीक है, 0.8% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग, हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी कि किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो 96 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, द टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल्स इज, ठीक है, कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करते हैं, हमारा जो डीप हमारे डीप ट्यूब वेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी लाइनिंग, ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट यूज करते हैं, ऑप्शन आपके हमने हैं फ्लै, उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ करते हैं, ऑयल वेल सीमेंट यूज़ करते हैं, या पोलैंड पोजलना सीमेंट यूज़ करते हैं। तो इसकी बात करें तो हम लोग ऑयल वेल सीमेंट यूज़ करते हैं। अगर इस सीमेंट की बात करें तो ये एवल होता है, ठीक है, हमारा ये मतलब ये सीमेंट जो होता है एवल होता है विदस्टैंड करने के लिए, जैसे हमारा हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, और प्रेशर रहता है, ठीक है, प्रेशर रहता है तो उसको मतलब कि विदस्टैंड कर सकता है ये सीमेंट जो होता है, हमारा जो ऑयल वेल सीमेंट होता है। और इसके अगर मेन फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे जो बेल्ट होते हैं ना उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर बेल्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हाई टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो उसकी वजह से कुछ भी मतलब जो है उसमें क्या सीमेंट क्या होता है निकल सकता है या ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, ऑयल वेल सीमेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें कैपेबल होता है जे कि जो हमारा हाई टेम्परेचर उसको रेसिस्ट कर सके और प्रेशर को, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो हम लोगों ने 96 क्वेश्चन तक डिस्कस करे सारे, या इसकी एक्सप्लेनेशन जो है तो आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है, SSC JEE में जितने भी सीमेंट को रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 2019 तक, तो वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर आपके डाउट्स का आंसर करेंगे। अगर आपको कोई भी इनमें क्वेरीज वगैरह लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसका प्रॉपर आंसर किया जाएगा आपको। तो इन क्वेश्चंस को आप जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, ठीक है, इनको एक बार आप जरूर रिफर कीजिएगा, क्योंकि ये सीमेंट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में नए क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी नए न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया था कि सल्फर का कंटेंट बताओ, मैंने सब भी बताया आपको, हर एक यू 8 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनकी प्रॉपर परसेंटेज बताई। उसके बाद में जैसे आपको पूछा गया था कि ग्रेड सी के लिए आप बताओ कि ऑर्डनरी पोलैंड सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो IS कोड दिया प्रोवाइड करा हुआ था हमें, उसके अकॉर्डिंग तो सारे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है,
हर एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, आपको बता रखा है, तो इन्हीं चीज़ों को आपको रिफ़र करना है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स में जाने से पहले अगर आप किसी भी मतलब एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है, तो सीमेंट के रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल्स के रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही, और सीमेंट के रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, 2 to 3 क्वेश्चन आपको सीमेंट के रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 2 to 3 क्वेश्चन सिर्फ सीमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स के मोर देन 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद में हम लोग एक नई बिल्डिंग मटेरियल्स को पकड़ेंगे और उसके ऊपर वीडियोस बनाना मैं स्टार्ट करूंगा, और उसकी वीडियोस हैं इस तरह, जैसे सीमेंट की सीरीज मैंने, अब मेरे को पता है कि थोड़ी लंबी सीरीज चली और इसमें वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन जो न्यू सीरीज रहेगी हमारी उसमें मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूंगा। 1 to 2 डेज के अंदर एक ना एक वीडियो अपलोड होती जाएगी और आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उन वीडियोज के लिए, तो वो जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट थी, अगर कुछ बच्चे रहते हैं हमारे, ठीक है, जिनको मतलब हमारा रहता है कि हमारा इंग्लिश वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम भी कॉलेज लेवल पे थे, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम से नहीं होते, कुछ बच्चे जो होते हैं हिंदी मीडियम से होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में क्या होता है इंग्लिश का जो लेवल होता है इतना हाई नहीं होता, तो उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। तो इसको रिलेटेड लेके भी हम लोग सोच रहे थे, ठीक है, तो हमारे जो कुलीग्स वगैरह हैं वो सोच रहे थे, तो उसी के रिलेटेड हमारे जो एक कुलीग्स हैं, ठीक है, मैम है, तो मैम ने अपना एक चैनल स्टार्ट करा हुआ है जिसमें वो प्रॉपर तरीके से आपको मीनिंग्स रहते हैं, वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग्स बताती हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिक वोकैबुलरी रहती है हमारी, और उसके बाद में मैडम पूरे अच्छे तरीके से बताती हैं किस तरीके से हमारे जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है, हमारा प्रोनाउंस रहता है किस तरीके से सेंटेंस को यूज़ करना है वर्ब्स की फॉर्म के साथ, तो प्रॉपर रहता है, तो उस तरीके से वो प्रॉपर बताया जाता है आपको, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको ज़रूरत है, ठीक है। अभी अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट एरा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारे लिए कंपलसरी हो गई है, ठीक है। इंग्लिश से बच्चों को जज किया जाता है कि इसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में यूज़ करना, किसी के साथ अगर आप बात करते हो तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसके साथ बात कर पाओ, तो ये चीज़ें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैम ने अपना चैनल स्टार्ट करा हुआ है, बहुत ही अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए, तो उनके चैनल का लिंक जो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार उस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। तो एक बार अगर आप चैनल विजिट करेंगे तो आई होप आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैम ने अभी न्यू न्यू चैनल स्टार्ट करा है, तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट करा हुआ चैनल आपको पता है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन हैं तो उसमें अगर कोई नया चैनल आता है तो मार्केट में कम्पीट करना कितना मुश्किल रहता है, तो आप एक बार उस चैनल को विजिट कीजिएगा, देखिएगा कंटेंट को, देखिएगा कितने अच्छे तरीके से कंटेंट की डिलीवरी की जा रही है, तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आज हम लोग की वीडियो पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मेरी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर मैं वीडियोस की बात करूँ तो मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रहा हूँ, करंट अफेयर्स को लेकर भी मेरी प्रॉपर वीडियोज़ आ रही हैं, डेली एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, विथिन 9 to 10 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाती है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और रीजनिंग की सीरीज़ तो हमारी चली रही है, जिसमें मैंने नंबर सीरीज़ को ख़त्म कर दिया, अब हम लोग रहता है जो नंबर सीरीज़ में अल्फ़ाबेट सीरीज़ रहती है, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, ठीक है, जल्दी वो वीडियो अपलोड होगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। नंबर सीरीज़ के रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए होंगे उसका, आपको एग्जाम्स के रिलेटेड दो क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से जरूर लगाइएगा, और जो प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार आप जरूर कीजिएगा। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।